हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और अभी हम दोनों जा रहे हैं चित्रा, कुछ काम है तो चलते हैं जल्दी से। इस वाले वीडियो में आवाज़ अच्छा से नहीं आया है क्योंकि ब्लूटूथ माइक लगाए थे और बाइक में थे तब अच्छा से आवाज़ नहीं आया। अभी भी लगाएं लेकिन इस तरह अच्छा आवाज़ आता है, बाइक में अच्छा से आवाज़ नहीं आता। देख सकते हैं यहाँ पे लगाए हैं तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। चित्रा जा रहे हैं, देखिए ये दुलदुली मोड़ पहुंचने वाले हैं और यहाँ से हम लोग चित्रा कोलियरी जाएंगे और हमारे झारखंड विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष श्री शंखशेखर भगता जी की आवाज जा रहे हैं, थोड़ा एक जरूरी काम से। और आप देख रहे हैं हम लोग तीन साथी एक बाइक में जा रहे हैं और बस ये 5 से 10 मिनट का रास्ता है। ये चित्रा कोलियरी जो हमारे हमारे विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है, जो इस एरिया में एक समझ लीजिए कि काला हीरा मिलता है, काला हीरा मिलने वाला जगह जा रहे हैं चित्रा। और ऐसे भी झारखंड कोयले का राजधानी कहा जाता है। आप लोग देख सकते हैं हम लोग अभी चित्रा जा रहे हैं। अब क्या नजारा है, ये झारखंड राज्य है, एक झारखंड राज्य एक पहाड़ों में बसा हुआ राज्य है, ऊंची जगह बसा हुआ जगह है। आप देख सकते हैं कि इस रास्ते से आप देवघर दुमका भी जा सकते हैं इस रास्ते से। और हम लोग जा रहे हैं अभी, देखिए क्या नजारा है। और थोड़ी देर बाद अजय नदी मिलेगा आप लोग को, जो यहाँ से पूरे एरिया का बालू सप्लाई होता है। और ये पुल बहुत पहले, ये अंबेडकर मूर्ति है चौक। डॉक्टर अजय नदी पुल के पास आ गए हैं, आप देख सकते हैं कि पुल के करीब पहुंच गए हैं। और ये देखिए बालू यहाँ से ढोया जाता है एरिया में, हम लोग के एरिया में पहुंचाया जाता है घर मकान बनाने के लिए। और अभी पानी बरसात का मौसम नहीं, उतना नहीं चल रहा है, फिर भी देख सकते हैं बहुत पानी है। और आप देख सकते हैं और बगल में इधर शमशान घाट भी है। और देखिए कोयला हमारे गरीब मजदूर लोग ढो रहे हैं चित्रा कोलियरी से लाके, अपना दिहाड़ी मजदूरी करके कोयला लाके बेचते हैं। और देखिए नदी में किस तरह पत्थर है, आप देख सकते हैं नजारा, पत्थर ही पत्थर, बालू ही बालू। लग रहा है कि राजस्थान का एरिया है। देखिए किस तरह प्रकृति का जगह है, हरियाली हरियाली। और कहा जाए तो इस वर्ष भी इतना अच्छा खेती नहीं हुआ है, फिर भी हरियाली नजर आ रहा है बारिश नहीं होने के कारण। और हमारे राज्य में सुखाड़ का घोषित किया गया है हमारे सरकार द्वारा। और आप देख सकते हैं ये पुल आप देख सकते हैं, ये हमारे इंदिरा गांधी के जमाने से ही ये नहर बनाया गया था सिंचाई के लिए, ये इंदिरा गांधी की सरकार में ही बनाया गया था सिंचाई के लिए, किसान लोग खेती बाड़ी करे, आप देख सकते हैं। और हम लोग अब सीधा अब चित्रा के जंगल में घुसेंगे थोड़ी देर बाद, 1-2 मिनट का सफर है बस, उसके बाद हम लोग जंगल चित्रा जंगल की ओर हम लोग कूच कर देंगे। चित्रा का समझ लीजिए जंगल पहुंच गए हैं, समझ लीजिए जंगल ही है। क्या खूबसूरत नजारा है, आप देख सकते हैं कि रोड के किनारे किनारे पेड़ लगा हुआ है, कितना अच्छा नजारा है। और
ये भाई हमारे बहुत स्पीड जा रहे हैं, आप देख सकते हैं क्या खूबसूरत नजारा मिल रहा है। रास्ते के किनारे पेड़ लगा हुआ है, क्या देखने का लाजवाब लाजवाब है लाजवाब। आप हमारे साथ बने रहिए, ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं क्या इतना अच्छा है, और ये साइड शायद कुछ हो गया है, पेड़ जल गया, उसमें पत्ते नहीं है पता नहीं, लेकिन इसको पिछली बार हम जरूर बोलेंगे। तो ये देखिए क्या खूबसूरत नजारा है भाई लोग, आप देख सकते हैं। इस साइड पे देखें आप, पेड़ वैसे हैं। हम लोग बस कुछ ही क्षणों में चित्रा कोलियरी पहुंचने वाले हैं, जहां कोयला मिला जाता है, जिसको बोला जाता है कि काला हीरा। जा रहे हैं आप देखिए, थोड़ी देर में आप लोगों को काला हीरा का जगह को देखने को मिल जाएगा, लेकिन फिर मौका मिलेगा चित्रा कोलियरी को अच्छी तरह से दिखाएंगे। एक बार जरूर हम लोग आएंगे और चित्रा कोयला को एक एक करके कहां से कोयला उठाया जाता है, कोयला कहां से ले जाता है, कितना किस तरह का ईंधन इसको मशीन यूज किया जाता है, सब दिखाएंगे। हमारे साथ बने रहिए, हम लोग चित्रा कोयला इन कर गए हैं। इधर नया ओसपी तैयार हो रहा है, इधर नया कोयला जमीन में निकलेगा, अभी काम स्टार्ट कर दिया गया है। और ये देखिए चित्रा कोलियरी का ये पुराना जगह है, ये समझ लीजिए कि इस खंडर से आप देख सकते हैं, हम आपको दिखाएंगे इस खंडर से आगे है, आप बने रहिए हमारे साथ। और देखिए कोयला किस तरह ढोया जा रहा है, देखिए इधर ये पुराना खदान है, घेरा लगा हुआ है, अब अंदर नहीं जा सकते हैं। बस हम अब कुछ ही क्षणों में माननीय पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर भोक्ता जी के आवास पधारने वाले हैं। आप देख सकते हैं चित्रा, समझ लीजिए कि छोटा मोटा बाजार है, ये कोलियरी के वजह से डेवलप हुआ है। देखिए विधानसभा अध्यक्ष पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर भोक्ता जी के आवास पहुंच गए हैं, और हमारे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हर रोज की तरह हर रोज अपने क्षेत्र के लिए निकलता है, लेकिन अभी तक नहीं निकला है, गाड़ी उसका खड़ा है और हम लोग इन कर रहे हैं। आप देख सकते कितना टर्का लगा हुआ कोला बाहर ले जाता है इसको ट्रेन द्वारा। देखिए देखिए थोड़ी देर यहाँ रुकिए, थोड़ा दिखा दे हम हमारे साथी लोग को कि किस तरह ट्रक लगा हुआ है, सारा कोयला निकाल के ट्रेन द्वारा बाहर ले जाया जाता है। आप देख सकते हैं अब हम लोग जा रहे हैं, और ये शहीद श्याम सुंदर सिंह है जो कोलियरी के आंदोलन में अपने शहीद हुए हैं, प्रतिमा है, और ये ECL ऑफिस है, आप देख सकते हैं प्रबंधक यहाँ रहा करते हैं। और हम लोग अभी वर्कर सब जा रहे हैं, ये बाल विद्या मंदिर देवघर चित्रा है, आप देख सकते हैं लोग यहाँ रोजमर्रा की जिंदगी, गरीब लोग मजदूरी करके अपना, और ये वर्कशॉप है, और हम
हम लोग यहाँ रुकना है थोड़ा काम के लिए। मैं गाड़ी यहाँ गाड़ी और यहीं पर गाड़ी और बड़ा बड़ा पानी निकल रहा है, खदान वाला पानी। टंकर देखिए कितना बड़ा है और ये पानी निकलते रहता है हमेशा। पानी निकाले खदान से निकाला जाता है, इसलिए काम करने में दिक्कत नहीं होता। पानी भरा रहने से काम करने में दिक्कत होता है। ओसपी है ये सब, आप देख सकते हैं। इधर भी एक वर्कशॉप है। देखिए कोयला ही काला ही काला, कोयला ही कोयला, काला ही काला, काला सोना हीरा। ये टैंकर इतना बड़ा है कि देख सकते हैं। और बात लो, ये गाड़ी है कि कितना का माइलेज देता होगा पता नहीं। एकदम पूरा ओसपी क्लियर ही है, आप देख सकते हैं। एकदम पूरा खदान देखिए, मजदूर लगा हुआ है, देख सकते हैं। और ट्रक भी लगा हुआ है बोला ले जाने के लिए। आप इसमें माल में बाहर भेजा देख सकते हैं। हम लोग अभी अंदर नहीं जाएंगे, काम है थोड़ा, बाद में फिर मौका मिलेगा तो आएंगे अंदर। देख सकते हैं ट्रक लगा हुआ है। ये डिस्पेंसरी है, ये वाला डिस्पेंसरी है, ये वाला यहाँ चित्रा कॉलेज का कारा कारा चाय पीने की बुकिंग भी। शॉप है, आप देख सकते हैं। स्पीकर श्री शेखर भक्ता जी ने इसको 2000 में इसका बुनियाद रखा। अब हम लोग घर जा रहे हैं। और फाइनली हम लोग घर पहुंच गए हैं, देख सकते हैं घर आ चुके हैं।